सीटी स्कैन का कोविड-19 के डायग्नोसिस में क्या रोल है और ये कब कराना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सीटी स्कैन होता क्या है। आम भाषा में हम यह कह सकते हैं कि सीटी स्कैन एक्सरे का एडवांस फॉर्म है जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट की बारीकी से जांच होती है। इसमें हम कोरोना की वजह से लंग्स पर होने वाले इफेक्ट का पता लगा सकते हैं। आजकल यह देखा जा रहा है कि लोग नॉर्मल कफ, कोल्ड, फीवर जैसे सिम्टम्स और कोविड-19 के सिम्टम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं और खुद को सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से 7-8 दिन निकल जाते हैं और कोरोना का असर लंग्स तक पहुंच जाता है। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि सीटी स्कैन किन सिम्टम्स में और कब कराना चाहिए। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या खिंचाव जैसी समस्या हो रही हो, और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 95% से कम है, आपको 3-4 दिन से हाई ग्रेड फीवर है, मतलब 102 डिग्री से 104 डिग्री तक बुखार है, या आपको 3-4 दिन से लगातार तेज खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, आपको कोरोना के कोई भी लक्षण के साथ साथ बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, इतना कि आपको चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा हो, ये सभी सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो हमें तुरंत सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत है ताकि हम समय रहते कोविड-19 निमोनिया का पता लगा सकें। आमतौर से सीटी स्कैन माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक केसेस में कराने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सरे में कोविड निमोनिया मिस होने का चांस रहता है, बट सीटी स्कैन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें क्विक एंड रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है पर सीटी स्कैन नॉर्मल होता है। ऐसा कोविड के इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है जब तक कोविड का असर लंग्स तक नहीं पहुंचता। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है और सीटी स्कैन में कोविड निमोनिया आता है, मतलब कोरोना लंग्स को इफेक्ट कर चुका है। ऐसा उन केसेस में होता है जब 8-9 दिन बीत चुके होते हैं, इसलिए सीटी स्कैन कराने का सही समय है सिम्टम आने के 5-6 दिन बाद। इसके बाद कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दोबारा सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिम्टम्स ट्रीटमेंट के दौरान भी बढ़ जाते हैं। दोबारा कराने की ज़रूरत इसलिए होती है कि ये देखना होता है कि निमोनिया बड़ा है कि नहीं। होपफुली ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।